हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आपके अपने चैनल कुक विद हैप्पीनेस में आपका स्वागत है। आज हम जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है डबल चीज़ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन पिज़्ज़ा कुछ लोग इसलिए नहीं खाते कि वो मैदे का, यीस्ट का बना हुआ होता है, यानी अनहेल्दी होता है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन लेकर आए हैं, सूजी का पिज़्ज़ा। आज हम तवे पर ये पिज़्ज़ा बनाना सीखेंगे, वो भी हार्ड बेस के साथ और साथ ही सॉफ्ट बेस के साथ। इसलिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहें ताकि आपको सभी टिप्स और ट्रिक्स का पता लग सके। इससे पहले कि हम रेसिपी शुरू करें, अगर अभी तक आपने कुक विद हैप्पीनेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी स्क्रीन पे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इसे प्रेस कर दें और साथ ही ये बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 कटोरी सूजी। इसे मिक्सी के ग्राइंडर जार में डालकर हम अच्छे से ग्राइंड कर देंगे ताकि इसका फाइन पाउडर तैयार हो सके। ये पैकेट वाली सूजी ली है मैंने, इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल बारीक ये सूजी को मैंने पीस लिया है। अब एक बोल में ये सारी सूजी ट्रांसफर कर देंगे हम। इसके साथ ही हम ले लेंगे 1/2 कटोरी गाढ़ा दही। ये थोड़ा सा खट्टा दही है, ताजा दही लें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूज करें आप। इसके साथ ही हम लेंगे 1 पाउच इनो। वन थर्ड स्पून नमक, 1/3 स्पून चीनी, ये पीसी चीनी का यूज़ कर रही हूँ मैं। इसे चम्मच की हेल्प से इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाए हमारा ये सारा मिक्सचर। अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ये सूजी का सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो चुका है। इसे थोड़ा सा अच्छे से मसल मसल कर चिकना कर लेंगे हम। अब इसमें 2 से 3 बूंद ऑयल डालकर इसे थोड़ा सा और मसल लेंगे। ये इतना डो लगाने के लिए 1/2 ग्लास पानी लग चुका है। अब इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे हम ताकि अच्छे से फर्मेंट हो सके। आइए अब पिज्जा की सॉस बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 8 से 10 कली लहसुन की और 8 से 10 टमाटर। कोशिश करें कि टमाटर लाल ही हो। अब एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे लहसुन, इसे थोड़ा सा सौते कर लेंगे हम। अब इसमें डाल देंगे प्याज, और टमाटर को इस तरह से हाफ कट करके डाल देंगे। साथ ही हम डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक और इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। ये 2 से 3 मिनट के बाद टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसकी स्किन अलग कर देंगे हम टमाटर की ताकि हमें बहुत ही स्मूथ हमारी पिज्जा सॉस मिले। बहुत ही इजीली इसकी स्किन अलग हो गई है। अब एक स्पैचुला से हम इसको इस तरह से प्रेस करते हुए दबा लेंगे थोड़ा। और अब इसमें जा रहा है 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच ऑरिगेनो पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून टमाटो केचप। ये हमारी पिज्जा सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। अब पिज्जा पे स्प्रेड करने के लिए वेजिटेबल्स ले लेंगे। 1 शिमला मिर्च जिसे इसे लंबे पतले पीसेस में कट कर लिया है, 1 प्याज और 1 टमाटर।
अब एक पैन में थोड़ा सा बटर डालकर इन सारी सब्जियों को एक मिनट तक कुक कर लेंगे। थोड़ा सा क्रंची रहने देंगे, सिर्फ एक मिनट तक ही इसे हल्का सा बटर में सौते कर लेंगे। ये सब्जियां हमारी सौते हो चुकी हैं, इसे निकाल लेंगे। अब इसी बटर में पनीर कट करके रखा हुआ है हमने, उसे भी थोड़ा सा सौते कर लेंगे। हल्का सा नमक और लाल मिर्च ऐड करते हुए, ताकि पनीर हमारा फीका फीका ना लगे। ये पनीर भी हो गया हमारा। अब हम डबल चीज पिज्जा बनाने वाले हैं, तो उसके लिए पहले हमें व्हाइट सॉस तैयार करनी पड़ेगी। उसके लिए एक चम्मच बटर लिया मैंने, उसमें एक चम्मच जो सूजी मैंने पहले पीस के रखी हुई थी उसमें से एक चम्मच डाल दिया है, और इसे बटर में अच्छे से भून लूंगी। ये सूजी हमारी काफी अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें डाल देंगे आधा कटोरी दूध। दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये वैसे पहले मैंने एक व्हाइट सॉस पिज्जा की वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन दे दूंगी, आप उसे भी चेक करें। वो व्हाइट सॉस पास्ता भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया बना हुआ है। ये थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, ताकि लम्स ना पड़े इसमें। आप चाहें तो विस्कर की हेल्प से इस तरह से इसे मिक्स कर सकते हैं। और ये देखिए, एक से दो मिनट के बाद ही हमारी व्हाइट सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस गरम गरम सॉस में ही हम डाल देंगे एक से दो चम्मच मोजरेला चीज। अब सब कुछ तैयार हो चुका है। ये पनीर तैयार है हमारा, वेजिटेबल्स सोते हो चुकी हैं, पिज्जा सॉस तैयार है। अब एक तवा गरम कर लेंगे हम, और ये देखिए हमारा डो भी बिल्कुल फर्मेंट होके बहुत बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। इसे थोड़ा सा एक मिनट तक अच्छे से किचन प्लेटफॉर्म पे ही हम नीड कर लेंगे। आज जो मैं ये पिज्जा बनाने वाली हूँ, ये मैं नॉनस्टिक तवे पर बनाने वाली हूँ। अगर आपके पास फ्लैट तवा ना हो तो कोई बात नहीं, आप तवे पर ही एक थाली रख सकते हैं। थाली के ऊपर थोड़ा सा ऑयल या बटर ग्रीस कर लें, और उसके ऊपर आप अपना पिज्जा जो है पहले पका लें, और उसके बाद आप उस पिज्जा को पूरा तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, इतने में मैंने ये आटे को चिकना कर लिया है, और इसमें से दो पीसेज अलग कर लिए, क्योंकि इतने आटे में हमारे दो पिज्जा बनके तैयार होंगे, एक फुल साइज और एक मीडियम साइज। ये सबसे पहले मैं बड़ा पिज्जा तैयार कर रही हूँ, तो उसके लिए इस तरह से मैंने बेल लिया है, और जो अभी मैंने व्हाइट सॉस में मिक्स किया हुआ था मोजरेला, उसे ऐसे स्प्रेड कर रही हूँ। अब एक और छोटा टुकड़ा तोड़कर इस तरह से इसे बेल लूंगी। ये सारा प्रोसेस ऑप्शनल है, अगर आप डबल चीज ना बनाना चाहें तो इसी को इस तरह से बेलकर बीच में फोक से कट लगा सकते हैं। मैं इस टाइम पे फोक से कट नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं डबल चीज बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से दूसरी वाली चपाती को इसके ऊपर डालकर इसके सारे एजेस इस तरह से सील कर लूंगी। अब अगर आप सिंगल बना रहे हैं तो फोक से सिर्फ इसमें होल कर दीजिए, और इसे डायरेक्ट तवे पर डाल सकते हैं। ये पिज्जा बेस को अब मैं गरम तवे पर डाल दूंगी। तवा हमारा बहुत ज्यादा गरम नहीं है, मीडियम हॉट है। इसे उलट पलट करके दोनों तरफ से हल्का हल्का सेक लूंगी पहले। जब ये एक तरफ से थोड़ा अच्छा पक जाएगा, तो पकी हुई तरफ से मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी हमारी पिज्जा सॉस और बाकी की सारी वेजिटेबल्स, मोजरेला चीज। इस पिज्जा को
हम हार्ड बेस्ड पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं तो इसके लिए हमने मीडियम हॉट तवे के ऊपर ये पिज़्ज़ा डाला है और इसे 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल स्लो गैस पर हम इसे पकने देंगे ताकि इसका नीचे का जो सारा क्रस्ट है काफ़ी हार्ड हो जाए और बढ़िया क्रंची टेस्ट दे। अब इसे हम ऊपर से ढक देंगे ताकि ऊपर से चीज़ मेल्ट हो जाएगा और नीचे से ये काफ़ी हद तक कुरकुरा और क्रंची हो जाएगा। ये 3 से 4 मिनट के बाद ही सारा चीज़ मेल्ट हो चुका है। देखिए कितना माउथ वाटरिंग हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हो चुका है। आप जितने में डोमिनोज से या बाहर से एक पिज़्ज़ा मंगवाते हैं उतने ही में आप घर पर 4 पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं। पिज़्ज़ा इज़ रेडी, तो अब मैं इसे प्लेट में डाल लूँगी। पिज़्ज़ा तवे पर डाल देंगे। इसे हम सॉफ्ट बेस पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं तो इसलिए तवा हमारा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म है, तो 1 मिनट के लिए दोनों तरफ से मैं पिज़्ज़ा बेस को पका लूँगी और सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही सारी सब्जियाँ डालने के बाद इसे ढक कर पकाऊँगी। उससे ये पिज़्ज़ा का बेस हमारा तेज़ गैस पर पकने की वजह से सॉफ्ट बनेगा। अगर हम स्लो गैस पे धीमे धीमे इसे पकाते हैं तो नीचे से हमारा बेस हार्ड बनेगा और अदरवाइज ये सॉफ्ट बनेगा। अगर आप माइक्रो में पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो ग्रिल मोड पर 8 से 10 मिनट के लिए इसे बेक कर सकते हैं और बीच बीच में चीज़ मेल्ट होने तक इसे चेक करते रहें। अब मैं आपको पिज़्ज़ा को कट करके दिखाती हूँ कि हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है और कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए ये देखिए अंदर से भी चीज़ पूरा सारा मेल्ट हो चुका है और कितना चीज़ी और यमी लग रहा है हमारा पिज़्ज़ा। ये दोनों पिज़्ज़ाज हमारे बनके तैयार हो चुके हैं, सॉफ्ट बेस भी और हार्ड बेस भी। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।